हार नहीं मानूंगा, रान नहीं ठानूंगा, इन लाइनों के दम पर ही विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल में अपने हुनर को ऐसा दिखाया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। जी हाँ, 12वीं फेल जब से रिलीज हुई है, विक्रांत मैसी हर तरफ छा गए हैं, हर किसी के फेवरेट बन गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अब पाकिस्तान भी विक्रांत के ही नाम के चर्चे कर रहा है, उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। और इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट ने जब देखी विक्रांत मैसी की 12वीं फेल तो वो पूरी तरीके से निशब्द हो गई। जी हाँ, उन्होंने इस फिल्म की जमकर तारीफें की है इंस्टा स्टोरी पर एक प्यारा सा पोस्ट लिखकर। वही कंगना की बात करूं तो कंगना रनौत को भी ये फिल्म ना बहुत जबरदस्त लगी है और कंगना भी इस फिल्म की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाई। आपको बताना चाहती हूँ कि कंगना रनौत ने इस फिल्म को देखने के बाद ना विक्रांत की जो तुलना है वो कर दी है इरफान खान से। बता दें आपको कि ऋतिक रोशन ने भी इस फिल्म को देखने के बाद जमकर ना गुणगान किया है विक्रांत मैसी का। उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आई है और ऋतिक रोशन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की शानदार फिल्म की जमकर तारीफें की और यहां तक कि इस फिल्म को मास्टर क्लास बताया है। बता दें आपको कि इस फिल्म की तारीफ में अनुराग कश्यप भी काफी कुछ कहते नजर आए हैं। वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं इस फिल्म को देखकर और उन्होंने फिल्म की तारीफ में एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। खास बात यह है कि ये तो बॉलीवुड के सितारे हुए, लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान में भी इसी फिल्म का चर्चा हो रहा है, इस फिल्म की तारीफें हो रही हैं। बता दूं आपको कि पाकिस्तान में भी इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। बिलाल कुरैशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस फिल्म की जमकर तारीफें की है और विक्रांत की एक्टिंग को ना काबिले तारीफ बताया है। बहरहाल गाइस, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और आपको कैसी लगी विक्रांत मैसी की 12वीं फेल, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।